नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। अलीराजपुर, माननीय हाईकोर्ट इंदौर द्वारा अलीराजपुर नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष सीना पटेल की याचिका स्वीकार करते हुए उनके ऊपर लगे तमाम आरोप को बेबुनियाद ठहराते हुए उन्हें दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार संभालने के आदेश और नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित करने के आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिनेमा चौराहे पर जमकर आतिशबाजी कर मिठाई वितरित की। जिला कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीना पटेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत और सम्मान कर सत्य की बधाई दी। उन्होंने जीत को नगर की मातृशक्ति और नगरवासियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत बताया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश पटेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, संतोषी लाल जैन, डॉ ए एम शेख, राजेंद्र टवली, सुरेश सारडा, खुशी दीवान, ललित जैन, चितल पवार, धनराज थेपड़िया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो की मुगल की रिपोर्ट। मेरे पक्ष में आया है और मैं शुरू से बोल रही थी कि मैं निराधार हूँ, लेकिन कुछ साजिशों के तहत मुझे इस तरह से कोर्ट तक जाना पड़ा। उन लोगों ने ऐसा काम किया और मैं हमेशा सत्य की जीत होती है। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, परासत नहीं हो सकता है। तो आज मैं हाईकोर्ट से ये केस जीत के आई हूँ और मैं मेरे सभी वकील अक्षत पहाड़िया जी, अशोक सेठी जी और मेरी पूरी टीम को सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये जीत मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये जीत मेरे नगर की जनता की जीत है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरे कांग्रेस पार्टियों की जीत है। मैं चाहूँगी कि ये पूरी जीत मैं मेरी नगर की जनता को, मेरी मातृशक्ति को, मैं यहाँ की जनता को देना चाहूँगी। और मैंने इतने साल तक जो काम किया नगर पालिका में, उसको एक तरफ आप उठा के देख लो और बीजेपी के जो 18 महीने का काम इन लोगों ने किया, एक तरफ उसको उठा के देख लो। आप सब खुद जानते हो विकास नगर में दिख रहा है और इनके कार्यकाल का विकास कितना है, ये भी आप सब जानते हो। मैं चाहूँगी कि ये जीत मेरी है, मेरे परिवार की, मेरे नगर की जनता की। और आप सब मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद। और मैं जितने भी जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे नगर के लोग हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जीत हमेशा सत्य की होती है, थोड़ी सी देर हुई लेकिन सत्य हमेशा जीतता है और आगे भी जीतता ही रहेगा।